हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोग का नए नए मेकओवर में। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डीप यू हेयर कट। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कितना अच्छा हेयर कट हुआ है और बहुत ही इजी तरीका है, मैं आप लोग को हेयर कट करना बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना हेयर कट। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा हेयर कटिंग आप लोग को कैसा लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना हेयर कटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले वाटर को हेयर से बहुत अच्छे से स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के बाद आप कोम कर लीजिए और कोम करने के बाद 20 से आप दो भागों में हेयर को डिवाइड कर लीजिए। जो हमारी हाई प्रोफाइल लाइन होती है उसी हाई प्रोफाइल लाइन से हमें दो भागों में डिवाइड कर लेना है। आप दो सेक्शन निकाल लीजिए या दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, जैसे आपको समझ में आता है। तो आप देख रहे हैं, और थोड़ा से आगे से बाल लेकर के हमें एक गाइडलाइन तैयार कर लेनी है और उसी गाइडलाइन के साथ काम करना है। इस हेयर कटिंग से, इस तरीके से आप हेयर कट करेंगे तो क्या है कि जो हमारी हेयर की लेंथ होती है वो भी बनी रहती है और हेयर कटिंग भी बहुत खूबसूरत होता है। देखिए, जो इनका लेंथ था वो भी बचा है और हेयर कट भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देख लीजिए, फिर हम इस साइड हेयर कट कर रहे हैं। थोड़ा सा बाल ले करके आपको नीचे की तरफ आपको कैंची चलानी है और नीचे की तरफ आपका फिंगर भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आना चाहिए उंगली। जैसे कि आप देख रहे हैं, देख लीजिए मैं कैसे कट कर रही हूँ, बस सेम ऐसे ही आपको हेयर कट करना है और सारे बाल को आगे की तरफ ला के ही करना है। यकीन मानिए, इससे आपकी जो हेयर की ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी निकलती है और हेयर कटिंग भी बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप प्लीज़ एक बार हेयर कटिंग करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का हेयर कट कैसा होता है। और मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि दी आप हेयर जो ड्राई करती हैं उसका भी वीडियो अपलोड करके डालिएगा, तो मैं इसमें हेयर ड्राई का भी वीडियो बनाई हूँ जो कि मैं अलग अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप जा कर के देख लीजिएगा कि मैं हेयर ड्राई कैसे करती हूँ। और देख लीजिए, क्योंकि मेरा जो हेयर ड्राई करने का तरीका है वो मैं हेयर ड्राई से नहीं करती हूँ, मैं जो प्रेसिंग मशीन होती है आयरन वाली मैं उसी से करती हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार देखिएगा कि मैं कैसे करती हूँ और उस वीडियो को भी आप लोग सारा ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और देख लीजिए, आपको ऐसे हेयर कंप्लीट करने के बाद एक बार सारे हेयर को आगे की तरफ कोम करते हुए लाना है, आगे की तरफ ला करके जितना आपका बाल अगर निकल जा रहा है तो उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना हेयर एक्स्ट्रा होगा वो आपके फिंगर में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जो आपकी कटिंग में इधर उधर हेयर हुआ रहता है वो भी आपका सेटिंग में आ जाता है कट करने पे। ये मेरा आगे से कंप्लीट हो चुका है, अब हम पीछे करेंगे। अब देखिए, हम कोम करके देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा बाल कहाँ पे है। जहाँ पे आपका कटिंग हुआ है वहाँ पे एक्स्ट्रा बाल दिखाई दे रहा है तो उसे हम एक बार फिर से फिनिशिंग कर लेना है। और बीच बीच में आपको वाटर से हेयर को स्प्रे करते रहना है, जैसे कि आपका जो हेयर है वो ड्राई हो जाता है तो बीच बीच में हमें स्प्रे करके हेयर को गीला कर लेना है। फिर बहुत अच्छे से कोम करना है और कोम करके ही कटिंग करनी है। कटिंग बहुत खूबसूरत होती है और लेंथ भी आपकी बनी रहती है। ये मेरी प्यारी सिक्योर सी कस्टमर थी, जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी हाइट लंबी थी बट हेयर बहुत छोटा था, तो ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी हाइट बहुत लंबी है और हेयर बहुत छोटा है बट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं ये बताई हूँ कि आप ये वाला हेयर कट करवा लो, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़ देखिएगा लास्ट में, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से एक बार हेयर कट ज़रूर करिएगा। और मैं बिना हेयर ड्राई का जितना एक्स्ट्रा हेयर है उसको फिनिशिंग टचअप दे चुकी हूँ, अब हम हेयर ड्राई करेंगे जिसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। प्लीज़ आप देखिएगा और उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो ये हेयर ड्राई हो चुका है और देख लीजिए कितना अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा आया है, अमेजिंग। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।